हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ किरण नेगी और मैं आज आप लोगों को अपना केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस हम किस तरह से कवर करने वाले हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। सो केमिस्ट्री हमारे दो पार्ट्स में, एक 11th की केमिस्ट्री और एक 12th की केमिस्ट्री, दोनों एक साथ चलेंगे क्योंकि कुछ बच्चे 11th और 12th के भी हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से इस चीज़ को देखना। क्लास का टाइम जो होगा वो इवनिंग होगा, ये आप लोगों ने डिसाइड किया है, और इवनिंग में क्लास हम लोग 9 o'clock करेंगे। सो ये 11th का सिलेबस आप इस टाइम पे देख रहे हो। हमारे पास तीन पार्ट में इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। ये जो परसेंटेज में आपको दिख रहा है इस बार का डिवाइडेड है कि कितना परसेंटेज आया था इस बार। सो पहले हम लोग इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करते हैं। तो इनऑर्गेनिक में हमारे पास, देखो अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो हमारे पास जो है पहला हाइड्रोजन है चैप्टर, जो कि इंपॉर्टेंट है। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, केमिकल बॉन्डिंग और क्लासिफिकेशन है, सारे चैप्टर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनका इस बार 13% ओवरऑल केमिस्ट्री में आया था। सबसे पहले हम लोग इनऑर्गेनिक से ही स्टार्ट करेंगे। इनऑर्गेनिक क्लास 11th की और 12th की दोनों चलेगी। पहले हम 11th का सिलेबस देख रहे हैं कि 11th का सिलेबस हम कैसे कवर करेंगे। दूसरे पे हम करेंगे ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक 11th में वैसे दो ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें काफ़ी लंबा चौड़ा उसका बेसिक है, और उसके बाद दूसरा हम लोग करेंगे उसमें हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत 10th में देख रखा है, बट वो यहाँ भी आपको करने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल का आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो थर्ड पे करेंगे, दैट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के अगर आप चैप्टर देख पा रहे हो, 22% कवर किया था इस बार की केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री ने ओवरऑल, किसको, आपके पूरे क्वेश्चंस को, जिसमें देखो बेसिक कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स रिएक्शन, इनमें से सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हर किसी से एक दो क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ठीक है, और ये अभी से नहीं, पिछले टाइम से आ रहे हैं। ट्वेल्थ का सिलेबस अगर हम देखें, ट्वेल्थ का सिलेबस अगर हम देखते हैं, तो इसमें भी तीन पार्ट में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल मिलेगा। इनऑर्गेनिक यहाँ जो होता है वो आइसोलेशन से स्टार्ट होता है, पी ब्लॉक, देन डी एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन डी एफ ब्लॉक से, पी ब्लॉक से, यहाँ से हर बार एक एक क्वेश्चन तो आते ही है, दो दो क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, दो दो तीन तीन क्वेश्चन, वो मैं आप लोगों को बताते हुए चलूंगी कि हमें किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, वो साथ में चलता जाएगा। इसके बाद हम बात करें ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप जानते हो ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th में तो ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है, और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हेलो एल्केन, एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, नाइट्रोजन वाले, एमीन वगैरह, बायो मॉलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सारे सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मस्ट है, जिसको हमें सिलेबस पूरा और ढंग से कवर करना है। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री भी अच्छी खासी आती है, न्यूमेरिकल्स यहीं से आते हैं, सॉलिड स्टेट सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, जो है हमें ये पोर्शन भी कवर करने हैं किसके, 12th के। और अगर मैं आप लोगों को टाइम बताऊं तो सितंबर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और आप लोग मान के चलो कि मई जून तक आपका पेपर हो जाएगा। टाइम कम है, कवर पूरा करना है, तो कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। सितंबर से, सितंबर जो कि आधा बचा है, अक्टूबर और नवंबर, नवंबर हाफ तक हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करने का करेंगे ट्राई। ठीक है, कि हम किस किस तरह से उसको कवर करते हैं। उसके बाद नवंबर हाफ मान के चलो, उसके बाद अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखें, तो नवंबर हाफ से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, हाँ 11th की पहले, और नवंबर हाफ फिर जाएगा किस कितने तक, दिसंबर तक। ठीक है, दिसंबर और जनवरी तक इसको मान के चलो, जैन तक इसको मान के चलो कि आप लोगों का 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलता रहेगा। उसके बाद हम फिजिकल स्टार्ट करेंगे जैन हाफ से, देन फेब और मार्च तक हमें ये चीज़ कवर करेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें ट्वेल्थ की, तो ट्वेल्थ में भी हम यही ट्राई करेंगे। ठीक है, मार्च तक इसको मान के चलो। ट्वेल्थ में भी हम सेम ऐसी, जैसे जैसे हमारा ऑर्गेनिक कवर कर रहा है किसका, इनऑर्गेनिक कवर कर रहा है, ऑर्गेनिक कवर कर रहा है, फिजिकल कवर कर रहा है 11th का, साथ में हम 12th का भी करेंगे, ताकि हमारा एक पोर्शन एक साथ ख़त्म हो। यानी सितंबर से हमारा इनऑर्गेनिक भी स्टार्ट हो जाएगा, 12th का, अक्टूबर नवंबर तक ख़त्म हम करेंगे उसको। नवंबर दिसंबर, नवंबर हाफ मान, नवंबर दिसंबर एंड जैन हम लोग क्या करेंगे, क्लास 12th का ऑर्गेनिक कवर करेंगे। इसी तरह से फिजिकल फैफ मार्च तक हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे फिजिकल को। प्रैक्टिस सेशन की बात करें, प्रैक्टिस सेशन हम कैसे कवर करेंगे, प्रैक्टिस सेशन के लिए तो वैसे तो चलता ही रहेगा, वीकेंड्स में हम लोग पूरा ट्राई करेंगे कि जितना कवर हम लोग एक हफ्ते में कर रहे हैं, उतना हम लोग क्या करते हुए चलें,
पोर्शन प्रैक्टिस भी करते हुए चले ताकि वो हमारे वो ना हो। साथ में मैं आपको सरप्राइज टेस्ट देते जाऊंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा साथ में सरप्राइज मिलते रहे, चीज़ें इंटरेस्टिंग बनती रहे ना, ऐसे ना हो कि आप ऐसे ही रहो, चल रहा है तो चल रहा है। सो आप लोगों को सबको एक्टिव रहना पड़ेगा। क्लास का टाइमिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, 9 o'clock इवनिंग में होगी क्लास, ठीक है। रात को 9 बजे से आप लोगों की क्लास रहेगी। और कितने दिन रहेगी? वीकेंड में तो ऑफ रहेगा, मतलब सैटरडे संडे को, क्योंकि उस दिन हम लोग टेस्ट वगैरह का ट्राई करेंगे। बाकी जो 5 दिन है उनमें से 4 दिन क्लास होगी केवल। मैं आपको बताऊंगी कौन सा दिन वो रहेगा। मंडे और ट्यूसडे को क्लास होगी, वेडनेसडे को नहीं होगी, थर्सडे और फ्राइडे को क्लास होगी। 2 दिन 11th वालों का पोर्शन चलेगा, 11th क्लास का पोर्शन, और 2 दिन 12th वालों का पोर्शन, ताकि जो 11th 12th के बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी चलते रहे, उनका भी चलता रहे, ऐसा ना कि उनके लिए सब कुछ नया रहे, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, मैं ये सब क्लासेस तब चलती रहेंगी जब आप लोग एक्टिव रहोगे, ठीक है। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में कि मैं ज़बरदस्ती पीछे लगे रहूँ। आप लोगों को तैयार रहना है, एक्टिव रहना है, अगर आप लोग करना चाह रहे हो तभी ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं जो ग्रुप्स में ऐड हैं, चाहे वो टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, आप लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव किस टर्म में? क्लासेस लो, प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करो। प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करके जो आप लोगों के नंबर आएंगे वो तो मैं आपको बताऊंगी, साथ में मैं ये देखूंगी कौन कौन बच्चा कितना एक्टिव है। ये सेम गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए, आप लोगों के ग्रुप इसलिए सेपरेट किए गए हैं क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि लड़कियों ने खास करके हमें अलग ग्रुप चाहिए, तो कर दिया है मैंने, लेकिन आप लोगों को उसमें भी एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आप क्लासेस में, ठीक है। आज तो मुश्किल आप लोगों का क्लास होना, कल से मे भी स्टार्ट होगी, मैं आप लोगों को बता दूंगी। वो तो अपडेटेड है ना, टेलीग्राम को खासकर ज्वाइन कर लो क्योंकि आपको PDF वहीं मिलेंगे। फिर ये मत कहना कि मेरे को मिला नहीं है ऐसा वैसा। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको दे रखा है ग्रुप में लिंक, अगर नहीं मिला है तो मेरे को मैसेज कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम पक्का ज्वाइन कर लेना, ओके। चलो बाय बाय।